दोस्तों क्या आपने तेलुगु फिल्म नानकु प्रियम तो देखी है? जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का हिंदी नाम है फैमिली एक डील। फिल्म काफी अच्छी थी और फिल्म को सन 2016 में रिलीज किया गया था। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, वर्डिक और फिल्म से जुड़ी कुछ अनसनी बातें यानी अननोन फैक्ट। वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नानकु प्रियम तो यानी फैमिली एक डील एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिल फिल्म थी जिसकी स्टारकास्ट काफी अच्छी थी। जूनियर NTR, रघुल प्रीत सिंह और जगपति बाबू के साथ साथ काफी अच्छी स्टारकास्ट थी। फिल्म की स्टोरी लिखी थी, फिल्म का स्क्रीन प्ले था, फिल्म को डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। ये वही सुकुमार है जिन्होंने रिसेंटली में अल्लू अर्जुन के साथ में पुष्पा बनाई थी, तो काफी अच्छी फिल्म थी। दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया था बॉक्स ऑफिस पे 13 जनवरी 2016 में। बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म नानकु प्रियम तो यानी फैमिली एक डील ने लाइफ टाइम पे कमाई की थी इंडिया में नेट 65 करोड़ रुपए। साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 87.2 करोड़ रुपए और इस फिल्म का बजट रखा गया था 47 करोड़ रुपए और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट की वर्डिंग मिली थी। तो क्या आपने फिल्म देखी, कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसनी बातें यानी अननोन फैक्ट, तो उसके लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म का रीमेक बाद में बंगाली लैंग्वेज में बनाया गया था और बंगाली लैंग्वेज का रीमेक का नाम था बाजी। फैक्ट नंबर 2, ये इंडिया की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें क्योस थ्योरी और बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाया गया था। इससे पहले कमल हसन की फिल्म 10 अवतार में बटरफ्लाई थ्योरी दिखा चुके थे। बटरफ्लाई थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें बताया गया है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म जूनियर NTR की 25वीं फिल्म थी। फैक्ट नंबर 4, ये फिल्म जूनियर NTR की ओवरसीज में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है आज तक की डेट में। फैक्ट नंबर 5, ये फिल्म जूनियर NTR रघुल प्रीत की साथ में पहली फिल्म थी। तो ये था आज का हमारा स्पेशल वीडियो फिल्म फैमिली एक डील और नानकु प्रियम। तो पता कि आपने फिल्म देखी है, कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की किसी लेटेस्ट जानकारी में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अक्षय यादव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।